थोड़ी अंगूठी पा भी लो हुन तुहाडे हाथ च ज्यादा सोनी लगेगी। ए ज्वेलरी हाँ ओ बंदिया ने मैं गल कीती सी उन्हां दा सी कुछ 4 लाख रुपया देना सी मैं उन्हें दे आया ते गहने ले आया पर तुहानू ये सब किवें पता लग गया वो एक्चुअली ऑफिस तो बाद मैं सोचा कि आतिशा जी नू मिलदे जावा मैं इत्थे आया ते कुछ लोग घरों बाहर जांदे देखे मैनू कुछ सही नहीं लगा फिर उस तो बाद मैं उन्हां दा पिछा कीता सॉल्व कीता सिंपल पर अंगद जी मैनू कोई डिस्कशन नहीं चाहिए इस ते आपा कोई बहस नहीं करनी मैनू ये सारा कुछ बोल के तुसी मैनू बेगाना ना करो तुहाडी फैमिली मेरी फैमिली है आतिशा जी ओ ए गल्ला गल्ला च तां मैं भुल ही गया तुहानू एक होर चीज देनी सी अमनी दी रानी दी चाबी अंगद जी मैं तुहाडी सोच दी कदर करदी हां पर ये एहसान 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 किस गल दा आतिशा जी मिस्टर अंबर कपूर यस यू आर अंडर अरेस्ट ये तुसी कह रहे हो बस दिस अ जोक मैं तो सीरियस हाँ तेनू ये सब मजाक लग रहा साडे कोल तुहाडे खिलाफ फ्रेस वारंट भी है ओके जे थोड़े कोल अरेस्ट वारंट है तो तुसी सीरियस गल कर रहे हो आई एम श्योर कि थोड़े कोल कोई रीजन भी होएगा हाँ बहुत है ते ए रीजन सानू हक दिंदे ने कि असी थोनू खिच के पुलिस स्टेशन ले जा सकदे हां जे इज्जत प्यारी है तो अपने आप चल पो इंस्पेक्टर साहब मेरी गल तो सुनो थोनू किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी तुसी गलत कर रहे हो मैं सब क्यों करूंगा मैं तो कुड़ियों नू पसंद ही नहीं करता एक सलाह दिया मिस्टर अंबर जज सामने आ बहाना ना बनायो आ कुड़िया नू ना पसंद करने वाला बहाना तुहाडा बिल्कुल झूठ साबित हो रहा है हवलदार जीरा इन्हां नू हुणी इत्थों लैके जाओ इन्हां दे लंबे लंबे झूठ मैं होर नहीं बर्दाश्त कर सकता एक मिनट तुसी किसे रैंडम कंप्लेंट ते मैनू इहदा कल्प्रिट बना के घुमा रहे हो तुसी इहदा समझ लिता मैं ही कल्प्रिट होवां जे तुसी तमीज नाल गल कीती हुंदी ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਇਆ ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਕਰਕੇ
कुछ महीने पहला की गल है, उन्हां दी कार्ड पार्टी चल रही सी। असीं उन्हां दे एक फ्रेंड दे मुंडे नूं अरैसट करन गए सी। बनदा भी सी अरैसट करना, पर माया कपूर ने जिस तरीके नाल साडे नाल गल कीती ना, ते मैं अपने जूनियर्स नाल अख नहीं मिला पाया। मेरी माँ कहिंदी सी कि उस रब दे घर देर है अंधेर नहीं। तो देखो कुछ ही टाइम होया उस घमंडी औरत दा मुंडा साडे गिरफ्त विच है। हवलदार जी जनाब, साडे थाने विच बहुत ही खास गैसट आए हुए ने, इन्हां दी खातरदारी विच कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अंबर तुसी ठीक हो ना? यार आम ओके। सर ए तुसी की कर रहे हो? ओ इधर लॉकअप च रहना डिजर्व नहीं करते, प्लीज उन्हें बाहर कढ़ो, बहुत चंगे इंसान ने, प्लीज छोड़ दो उन्हें। मैडम तुसी समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ तुसी नहीं रहे सर, मैं इंस्पेक्टर साहब नु पहला भी कह चुकी हूँ, तुसी साडी गल सुनने नु रेडी नहीं हो। थोड़े कोल कोई प्रूफ है कि इन्होंने एहो जा कुछ किया है? नहीं ना। हद है सर, तुसी क्यों नहीं समझ रहे? तुसी एक गलत इंसान नु अरेस्ट किया हुआ है। वो कुड़िया नु लेके बहुत सेंसिटिव ने, मैनु पता है कि थानु किसी ने ना गलत कंप्लेंट की है। सर प्लीज मेरा यकीन करो, मैं थोड़े अगे ना हाथ जोड़ दिया, प्लीज इन्हों छोड़ दो। मैडम किसी नूं फड़ना या किसी नूं छड़ना ये मेरे हाथ दे विच नहीं है, मैं तो बस अपनी इत्थे ड्यूटी कर रहा है। जे तुसी चाहो तो इंस्पेक्टर साहब नाल गल करके देख लो। सर सर मेरे लॉयर आ रहे ने, तुसी उदों तक तो अंबर नूं बाहर बिठा सकते हो ना? देखो मिस्टर, जो भी थोड़ा नाम है, ये पुलिस स्टेशन है, थोड़े अमीर घर का डाइनिंग एरिया नहीं, जिथे थोड़ी चलूगी ते एनू बाहर कढ़ना किसी भी हाल दे विच पॉसिबल नहीं है। हाँ पर फॉल्स एलिगेशन भी तो हो सकते हैं ना सर, ते हले तक जे साबित ही नहीं होया तो तुसी उन्हें इतना ट्रीट क्यों कर रहे हो? उन्हें तो एक मासूम कुड़ी नाल बदतमीजी करन दा आरोप है, ते तुसी चाहुंदे हो कि मैं एहो जे बंदे नूं रिफ्रेशमेंट देवां? तुसी कहने हो कि इन्हां दे दोषी होण दा प्रूफ कित्थे है, पर मैं कहना इन्हां दे निर्दोष होण दा प्रूफ भी कित्थे है? सर असी गारंटी दे तां रहे हां ना, मैटर नहीं करदा। आमनी मैं जेन्युइनली कुछ भी नहीं। अंबर अंबर आई नो कि तुसी कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उदे नहीं कह रही, मैं थोड़े ते ट्रस्ट करती हूँ, मैनू पता कि तुसी कदे भी इदा दा कुछ नहीं करोगे, कदे भी नहीं। बच्चा है तो कार्टून देखे जाके, उस नाल पंगे लैण दा नतीजा तां ही देख लिया, नाले ये भी देख लूगा। अजकल पता नहीं है ना यंगस्टर नूं ज्यादा एंग्री मैन बनने का शौक है। एंग्री यंग मैन तो मैं अंगद, शांत रह। लिसन मेरी गल सुन, कम शांत। किद्दां शांत? ब्रो मैं तुहानू इस कंडीशन च बिल्कुल नहीं देख सकता। की समझदे आपदे आप नूं? देयर इज लॉ इन दिस कंट्री। अंगद प्लीज मेरी गल सुन, कम कम यार कम। लिसन मैं सिर्फ ना इन्हां लॉज दे करके अंदर हाँ, एंड या हर चीज का कोई प्रोसीजर होंदा है, आपां गुस्से नाल आपां होश नाल काम लैणा, सो काम रहना। अंगद अंगद गुस्से कुछ गलत ना करी, अंगद अंगद लिसन। मॉम अंबर मॉम अंबर
की हो गया बेटा? मॉम कुछ नहीं, I'm okay. तुसी ठीक हो ना बच्चे? या मॉम मैं क्या ना, मैं ठीक हाँ। एंड या मॉम मैं सच्ची कुछ नहीं कीता, मेरी कोई गलती नहीं है। आई नो बेटा, आई नो तुसी कुछ भी गलत कम नहीं कर सकते। किसी भी रैंडम कंप्लेन थे तुसी ब्रो नु किधर रेस्ट कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत किधर हुई? तेरी किमें हिम्मत हुई मेरे सिर ते चीकण दी? तू है कौन? ये सब इतने चल की रहा? पहला वो कुड़ी आई, एदा करैक्टर सर्टिफिकेट देने लग गई, ते हुण तू आ गया। वो कुड़ी नु तां मैं धक्के मार के बाहर कढवाया, जे तू भी धक्के खाने है तां आपदे हत्थां नाल दे सकदा। एक मिनट अंदर काम डाउन बच्चे। सर ये अंबर तेरा बेटा इस शहर का बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तुहानू उहनां नूं गिरफ्तार करन तों पहलां घट्टो घट्ट साडे नाल डिस्कशन तां करना चाहीदा सी ना। आपां फालतू दीआं गल्लां करके टाइम ना वेस्ट करिए तां सही होएगा। असीं अपना लॉयर लैके आए हैं, लीगली गल करदे हैं। You can talk to him. Okay. पर तुहाडे लॉयर साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे, पूछो ना उन्हें क्यों चुप है। क्योंकि उन्हें पता है कि औरतों नाल छेड़छाड़ करन दी वेल नहीं हुंदी। तुसी कहा सी ना कि लीगली गल करो, ते इत्थे लड़न दा कोई फायदा नहीं, जे लड़ना है तो कोर्ट विच जाके लड़ो। ओ इंस्पेक्टर तुसी मॉम ने इस तरह गल नहीं कर सकते। अंगद शांत रहो, वो गलत नहीं कह रहा है। फाइन, पर सानू ये ता दसो कंप्लेंट किसने कीती है? क्या उन्हें तुसी खरीदना चाहते हो या फिर डराना? What are you saying इंस्पेक्टर? उच्चे घराने के लोग ने तुसी इन्हां बारे इदां सोच भी नहीं सकते। उच्चे घराने होने नाल बंदे का किरदार उच्चा नहीं हो जाता लॉयर साहब। ते मैं वो कुड़ी बारे कुछ नहीं दस सकता ड्यू टू सेफ्टी इशू। निराश क्यों हो रहे हो? कोर्ट विच मिल लियो, नाले तुसी केड़ा उन्हें मिलके डराउना है, ठीक है ना? ब्रो ये सब की हो रहा है? अंगद मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब की हो रहा, कौन कर रहा थे, क्यों कर रहे? मैनू तुहाडे ते पूरा ट्रस्ट है ब्रो, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुहानू कोई इन्नी किवें नफरत कर सकता है जो इस हद तक पहुंच गया। I don't know. Maybe some rival. मैं कह रही हूँ साक्षी ना कुछ नहीं होएगा, नाले ये सब तू मेरे कहने कीता है, मैं डर रही हूँ नहीं ना। सो बस तू बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उस दिन जो भी होया तू ऑफिस तो गायब सी, ते शक तेरे ते पै सकता है, ते तो कोई कुछ भी पूछे तू बस इन्ना कहना है कि पापा की तबीयत खराब सी इस करके तेनू घर जाना पाया। ओके ओके मैम, पर असी जो भी किया बिल्कुल भी सही नहीं किया। बार बार इको गल की रट ना लगा साक्षी। एंड सुन, सानू लाइफ विच ना कदे कदे कुछ पाउण लई शॉर्टकट लैने पैंदे ने, ते ये सब करना तेरे पापा दे ट्रीटमेंट लई जरूरी सी, है ना? यस मैम। ते बस फिर तेरे कोल कोई ऑप्शन नहीं सी, सो तू ये सब कीता, ते हाँ याद रख तू कुछ गलत नहीं कीता। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। बट बस साक्षी अपने दिमाग विच कोई भी सैकेंड थॉट लैके ना। ते तू क्या ही किया? तू बस इन्ना ही तो किया ना कि वो अंबर कपूर तेनू फिजिकली हैरेस करता सी? यस मैम। पापा की होया दक्ष? बाहर मीडिया वेट कर रही है। जा रहे हो? जाओ, पर जान तो पहला एक चीज कंफर्म करके जायो प्लीज। हुण की है मैडम? कुछ खास नहीं, बस इस कंप्लेंट विच एक गलती है।
केड़ी गलती? देखो मैडम, तुसी बहुत टाइम तो मैनू कहानियां सुना रहे हो। नहीं सर, मैं कहानियां नहीं सुना रही, फैक्ट दस रही हूं। इहदे विच हरैसमेंट दी डेट 20 लिखी हुई है, पर उस दिन तां अंबर किसी नूं हैरेस किवें कर सकदा है? क्यों, उस दिन इसका फास्ट हुंदा? नहीं सर, उस दिन अंबर पूरा दिन ते पूरी रात मेरे नाल सी। एक ही कह रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, उस दिन अंबर मेरे नाल सी। अम्मी प्लीज। तुसी चुप रहो अंबर सर, मैं सच दस रही हूँ ना। अम्मी तू समझ क्यों नहीं, इस सब ना तेरी सारी सोसाइटी दे विच रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तरोल तुसी दोनों। हाँ हाँ सर, पर वो साड़ा यकीन नहीं कर रहे, प्लीज तुसी एक बार बोल के दस सकते हो। भैया दे ची यकीन ना करने वाली केड़ी गल है, मैं ते तुहानू पार्टीज दी फोटोज भी भेजियां सी। हाँ जी, पर फोटोज नाल डेट साबित नहीं ना हुंदी। भाई कमाल ने तुहाडे फ्रेंड्स, ते जिद्दी भी, किते पुलिस विच तां नहीं हैगे ना? चलो कोई नहीं, अच्छा जे तुसी कहंदे हो ते तुहानू मैं पार्टीज दियां सीसीटीवी फोटेज भेज देना, ओदे विच ते डेट भी होएगी ते टाइम भी। हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत ही वधिया गल है। एंड सॉरी, मैं थानू छोटी जी गल ही तंग कर रही हूं। नहीं नहीं अम्मी, इट्स ओके। मैं अपने सिक्योरिटी गाय ना गल करके तुहानू सीसीटीवी फोटेज भिजवा देना। थैंक यू सो मच सर, बाय। ओके। हेलो सिक्योरिटी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ ਅੰਬਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सो इंस्पेक्टर साहब, हुण तुसी अंबर नूं अपने आप बाहर कढोंगे कि तुहानूं थोड़ी हेल्प करिए? हुण चुप करके अपने घर जा, अगे तों पागलपन ना करी, जो मैं कह रहा वो गल मन। स्टॉप दिस मैडनेस, हुणे जा इत्थों। तुहानूं बचाउणा मैडनेस नहीं है सर, इस टाइम दा सब तों जरूरी काम है ते मैं तुहानूं इधर रात कट्टण नहीं दे सकदी। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਵਨੀ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਦਕਸ਼, ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਜਾ। ਓਕੇ ਅਵਨੀ, ਚਲ। ਨਹੀਂ, तू अगो नहीं बोलेंगी। दक्ष लीव। आकृति, अंबर कपूर का असली चेहरा आया सामने, शराफत का काला नकाब पाके करदा सी रातां रंगीन।
अंबर कपूर ने गुजारी अपने ही ऑफिस विच काम करने वाली कुड़ी अवनी नाल रात। अवनी ने चुकिया मौके का फायदा, इज्जत बेच के पैसा कमाया। सब कुछ तेरे करके हो रहा ना चाहत, तू किसी नु बर्बाद करके स्माइल किवें कर सकती है? बंद कर तमाशा हूं। मम इरिटेट ना करो, मैं न्यूज देखनी है। चाहत ममा, मॉम थानू पता है ना ये इन न्यूज फेक है। सबनू पता है कि अंबर ते अवनी कमिश्नर नाल गल हुई थोड़ी। हाँ मेरी हुई सी उन्हां नाल गल, पर वो कहंदे पुलिस वल्लों कंप्लेंट वापस नहीं ले जा सकदी, कंप्लेंट करन वाले नूं ही वापस लेनी पैंदी है। हाँ ते मेरी बलदेव जी नाल भी गल हुई सी, उन्हां नूं भी इंस्पैक्टर ने उही कहा। हुण तां उस कुड़ी दे कंप्लेंट वापस लैण तों बाद ही कुछ हो सकदा। कुछ नहीं हो सकता, मैं साक्षी नूं केस कदे भी वापस नहीं लैण देंगी। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਮੀ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਕਸ਼ੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਦਕਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, पर मैं किसी नूं दस भी तां नहीं सकती। हे माता रानी, वह कुड़ी केस वापस लै ले ते यह तमाशा जल्दी तो जल्दी खत्म हो जाए। अवनी कित्थे, ठीक है? हाँ मैं उन्हूं ते आकृति नूं हुणे घरे ड्रॉप करके आया, ते नाले मैं तीशु दी नूं भी कह दिता सी कि मासड़ी ते मासी तक यह न्यूज़ ना पहुँचण दवे। तू बिल्कुल ठीक कीता बेटा, इहो जिहा शौक शोभा सह नहीं पाएगी। पर अवनी 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 तो इस टाइम अपने बारे कुछ सोच ही नहीं रही है, वो तो बस अंबर प्रो नूं बेकसूर साबित करने विच पागल होई पई है। मैं ते अकृति ने बड़ी मुश्किल नाल उन्हें शांत क्यों ना कर दी थी, थानू याद नहीं कि उन्हें अपनी फैमिली दी इज्जत बचाने लई अज तक कितना कुछ कीता? मैनू ना कुछ ना कुछ तो करना पाएगा दी, उना देखने में ही रफ एंड टफ लगता है, अंदरों तो उन्हें भी हर्ट हो रहा होना ना। ते तू अवनी हर्ट तो तू भी हो रही है ना, बदनामी तो तेरी भी हो रही है ना। डोंट वरी दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपा मिलके कुछ ना कुछ जरूर कर लांगे, तुसी टेंशन ना लो। रोना नहीं है अवनी, हारना नहीं है, असी तीनों नाल आ। पहले कभी हारे नहीं ना, हुन भी नहीं हारेंगे, हिम्मत रख। थैंक यू दी। ये अवनी मीना, शी इज टोटली मैड, बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। बढ़िया, उन्हें मेरी रेपुटेशन बचाने वास्ते अपनी इज्जत बारे बिल्कुल भी नहीं सोचा। I'm just shocked। किस तरह था? कदे मॉम ने भी रिएक्ट नहीं किया।
एक ही कर रहे हो दी तुसी? जमीन ते क्यों सो रहे हो? अंबर भी तो उत्थे जमीन ते ही सो रहा होएगा ना। मैं उन्हें बाहर नहीं कढ़ा सकी, मैं बेड ते किवें सो सकती हाँ? पर दी आकृति सो लैन दे उन्हें। मैनू भी तो पता लगे की सॉर्ट कर देंगी तू। ये सब कितने किराए की जड़ ना तू ही है। सारे इंप्लॉयज ने देखे से थानू दोवां नू कट्ठे आए थे। के बाय द वे मैनू नहीं लगता कि न्यूज वाले ना कुछ भी गलत छाप रहे ने। जे ना सब ने देखा भी सी तो इहदा मतलब ए नहीं कि साडे विच कुछ है। मैं पहले सब नू एक्सप्लेन कर चुकी हां कि असीं अंदर बंद हो गए सी। ते अंबर कपूर बारे तां सब नू पता है ना। मेरे ते ट्रस्ट ना भी होवे अंबर दे किरदार ते डाउट नहीं होना चाहिदा। बिल्कुल नहीं मैम, अंबर सर बहुत चंगे इंसान ने। यस मैम, असी उना दे अराउंड हमेशा ही सेफ फील कीता है। मैम सानू पता है ये सारे एलिगेशंस गलत ने, असी तुहाडे नाल आ। सो चाहत देखिया तू सारे इंप्लॉयज ना तेरे वांगू नहीं सोचदे। हुण साइड हो, इस प्रॉब्लम नू फिक्स करन लई मैनू इत्थे जाना पैणा। एंड हाँ बोलना व्हेन अवनी से तन फिकर ना। ओके ओके ओके, तू पहला ही चीकना बंद करेंगी। क्यों ना चीका? ओके अवनी साक्षी नू लब्बन ले गई है ताकि उन्हें कंप्लेन वापस ले नहीं बना सके। तो तू कह रहे हैं यू जस्ट शट अप। तू नॉनस्टॉप बोली जा रही है, मेरी गलता सुन ले। तू मैनू की कहा सी कि अवनी साक्षी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, राइट? डोंट वरी, नहीं पहुंचेगी। मतलब तू सच्ची? हाँ मैं सच्ची किडनैप कर लिया। तिशु तिशु। हाँ जी मम्मी, की कह रहे हो तुसी? मैं कह रही हाँ कि टीवी वाले का कोई जवाब आया। आकृति ने सवेरे टीवी ठीक करने लिए दिता सी ना? ओ तो मम्मी आकृति ने ठीक करना दिता सी ना, तो टीवी वाले का नंबर भी ओदे कोल ही है, मेरे कोल नहीं हैगा। फोन करके पूछ टीवी वाले का नंबर। मम्मी ओनू क्यों तंग करना है, वो क्लास च होगी, एवं डिस्टर्ब कर रहे हो तुसी। वो आ जाती है फिर आप पूछ लेने ना। ले दस इहदे विच तंग करने वाली केड़ी गल है, सारा दिन हो की आ रीलां दियां देखदी रहिंदी है, ओदों डिस्टर्ब नहीं हुंदी।